चलो ठीक है, ठीक। तो मैं इसकी कसम खा कहता हूं, मेरे लिए दुनिया में इससे बढ़िया कुछ नहीं है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी कर्म है। जो भी वर्ड बोलूंगा एक एक ये मान लेना कि बिल्कुल वो जो मेरे साथ हुआ था। और कैसे करके फर्स्ट टाइम की बात बताता हूं, आप लोगों को सुनिएगा ध्यान से। इसीलिए डिमोटिवेट मत होना। आज आपके पास बहुत सारे साधन है, हमारे टाइम पे कोई साधन नहीं होता था। तो मैं आप लोग को अपना फर्स्ट रिटर्न की बात बताता हूं। एसएसबी की तो बहुत दर्द भरी कहानियां हैं, वो छोड़िए, फर्स्ट रिटर्न की बात बताता हूं आप लोगों को। फर्स्ट रिटर्न से पहले भी जो बच्चे कहते हैं ना सर हम निराश हो रहे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने फर्स्ट एनडीए दिया था, मेरे को आज भी याद है कि मेरा अगस्त का चांस था, लेकिन मैं अगस्त का चांस क्यों नहीं दे पाया था मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने जो मेरा पहला रिटर्न निकला था वो अप्रैल वाला निकला था, अगस्त का मेरा चांस था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जब एडमिट कार्ड आए तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मैं खूब रोया, क्योंकि ये बात तो तय थी कि मुझे एनडीए से, आप सभी को पता है कि मैंने अगर जिंदगी में किस चीज को, एग्जाम को जिया है ना, मैंने बहुत एग्जाम निकाले उसके बाद, लेकिन मेरा जो जीना था बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए था, क्योंकि मैंने इस पे कसा हाथ रख दिया, तो मेरे लिए सब कुछ यही है, जो भी वर्ड निकलेंगे वो सच्चाई है। एनडीए को मैंने अपनी जिंदगी में जिया था, फील किया था, जैसे कुछ बच्चे एयरफोर्स को जीते हैं, कुछ एनडीए को जीते हैं। एनडीए मेरे लिए जॉब नहीं थी, फीलिंग थी, ठीक है। मेरा अगस्त का अटेम्प्ट था, सबके एडमिट कार्ड आ गए, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मुझे तुरंत किसी ने बोला कि तुम दिल्ली जाओ, यूपीएससी पहुंच जाओ, वहां जाके पता चलेगा। मैं यूपीएससी गया अपने मामा जी के साथ, वहां जाके मुझे पता चलता है कि मेरा यूपीएससी का एडमिट कार्ड जो है रिजेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने बेवकूफी से, कुछ उस समय कोई बताता नहीं था, हम खुद फॉर्म फिल किया करते थे, तो मेरा यूपीएससी का एडमिट कार्ड जो था वो रिजेक्ट हो गया था। और मैं उस समय इतना बैठ के रोया, मेरे को आज भी याद है, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था और मैं रो रहा था, और मेरे मामा जी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मतलब होता ही है भाई, मामा थे मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं रो मत, अब रोना तो आएगा ही, सीधी सी बात है, दिल दर्द हो। इसीलिए हम आज भी वैसे ही हैं, हमारे बच्चों का पेपर खराब होता है तो हम तब भी उसको फील करते हैं, क्योंकि हम रहे हैं। जिस इंसान ने कभी एग्जाम ना दिए हो, जिस इंसान ने उसको एग्जाम को ना दिया हो, जिस इंसान ने उसको पास ना किया हो, जो एग्जाम, जो इंसान कभी एसएसबी देने ना गया हो, उसको उसकी फीलिंग नहीं पता होगी बच्चों। लेकिन जिसने एक पल जिया है ना, वो उसको जानता है। हम क्यों निराश हुए, हमें क्या फर्क पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन हम क्यों परेशान हुए, क्योंकि हमें पता है कैसी फीलिंग्स आती हैं। हम स्टूडेंट रहे हैं और हमने तो वो कई बार निकाले एग्जाम। तो मैं रोने लगा, तो मेरे उसी एडमिट कार्ड, मेरे उसी बैग में मेरी माताजी ने एक एडमिट कार्ड और भी डाला था, मतलब मेरा एक चीज का और भी एडमिट कार्ड आया था, दैट वॉज ऑफ इंडियन मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी का उसमें था, मेरी माता जी का फोन आया कि बेटा तेरे मामा ने बता दिया था कि जो एग्जाम है इसका, ये मतलब एडमिट कार्ड, सबको घर में पता ही था कि एडमिट कार्ड वो हो गया। तो मेरी माँ मेरे हमेशा साथ में रहती थी, मतलब घर वाले कभी उस समय, देखिए आज भले कोई भी साथ हो, लेकिन मैं सच बोलूंगा कि उस स्टार्टिंग में घर वाले थोड़ा सपोर्ट में नहीं थे, पढ़ने के लिए सपोर्ट में थे, लेकिन कमेंट थोड़ा बहुत चलता रहता था, कब निकलेगा एग्जाम, बस ऐसे ही करता रहेगा क्या, एग्जाम नहीं निकल रहा तो उससे, मतलब ये वाली बात। और माँ जो थी भाई, माँ साथ में रहती थी कि मतलब सपोर्ट में रहती थी हमेशा। तो माताजी ने कहा कि एक काम कर, दूसरा वो एग्जाम है नेवी का, मर्चेंट नेवी का, तू एग्जाम देने चला जा। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं देना है, क्योंकि मर्चेंट नेवी मेरे को पसंद नहीं है। देखिए जिंदगी में काम कोई भी कर लीजिए, सब अच्छे होते हैं, लेकिन दिल के करीब भी तो कुछ चीजें होती है। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला जो है वो यहां हुआ था। तो मैं उस समय रो रहा था और माता जी बार बार समझा रही थी कि बेटा नहीं तू चला जा, तू चल ठीक, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मर्चेंट नेवी का एग्जाम निकाल दूंगा। देखिए मैं कैलकुलेशन जब छोटा हूं ना तब से ही करता आया हूं, मेरा दिमाग हमेशा से ऐसा चलता आया हुआ कि पहले ही देख लेता हूं आगे क्या होने वाला है। तो मेरे को पता था कि मैंने मर्चेंट नेवी का पेपर अगर निकाल दिया तो मुझे भेजेंगे जरूर जबरदस्ती, क्योंकि आपको पता है कि घर में सबसे पहले क्या चाहते हैं घर वाले, सरकारी नौकरी लग जाए, दैट्स ऑल। और अपना ऐसा फंडा नहीं था, अपने को तो फीलिंग ही कुछ और थी, खड़गवासला एनडी की वो ट्रेन सपनों में दौड़ती थी। तो मैं सोच लिया था कि बेटा तू अगर पेपर देने चला गया तेरे साथ हादसा होने वाला है। फिर माँ ने बोला कि नहीं देख तुझे मेरी कसम है और तू पेपर देने जरूर जा, चाहे ज्वाइन करना मत करना, मैं तेरे साथ रहूंगी, घर वाले भी अगर बोलेंगे तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। और भाई माँ अगर ऐसी बात बोल दे
तो चाहे तलवार रख दो गर्दन पे, फिर तो उसकी भी परवाह नहीं है। तो मैं पेपर, मैंने एडमिट कार्ड उठाया और मैं मामा जी को साथ लेके चला गया। ठीक है, मैं गया वहां पर पेपर देने, और देखिए भाई एटीट्यूड हमारे अंदर उस समय फुल था। ठीक है, खैर ज्ञान धीरे धीरे जब आता है तब इंसान का एटीट्यूड भी कम हो जाता है, तो हमारे अंदर उस समय एटीट्यूड फुल था। एटीट्यूड किस बात का था? खैर हालांकि देखिए हम स्टूडेंट्स थे, छोटे थे, तो हमें नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। तो एटीट्यूड ये था कि हम एनडी के स्टूडेंट्स हैं, इतनी मेहनत की है हमने, वी आर भाई अपने आप को फील कर लेते थे कि वी आर नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफिसर, मर्चेंट नेवी का एग्जाम देने जा रहे हैं। हालांकि देखिए फौज सारे एग्जाम एक चीज है, लेकिन उस समय माइंड में कहीं ना कहीं था। तो मैं एग्जाम देने गया और वहां पे मैडम जो थी वो शीट बांट रही थी, और मैं गुस्से में मेरी आंखें लाल थी, मैं जाके बैठा। तो ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट बैठे हो, मैंने फटाफट लाई ये शीट, नहीं ऐसे इस तरीके से करके, और कोई मतलब नहीं है। उस मैम ने मेरी तरफ और मैंने 1% नहीं देखा, मैंने पेपर लेके फटाफट करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट वाज ऑफलाइन पेपर, शीट सील कर दी मैंने। मुश्किल से कितना टाइम लिया होगा, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं लिटरली बोलूं उस पेपर में कुछ नहीं था, मेरे को फटाफट मैंने फेटर दिया। और मुश्किल से कितना टाइम लगा होगा मेरे को, लगभग 30-35 मिनट के अंदर अंदर मैंने वो पेपर करके रख दिया और मैं बैठ के ऐसे बैठ गया वही, क्योंकि याद तो उसी की आ रही थी। तो वो मैडम मेरे पास आई और आके कहती है, क्या हुआ, पढ़ा लिखा नहीं है क्या? मैंने देखा फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर चुपचाप बैठ गया। तो मैम कहने लगी, क्या हुआ, तुमने पढ़ा लिखा नहीं है, क्यों निराश क्यों हो? अब मैंने कहा, क्या अपने दर्द दिल का हाल सुना है मैम तुम्हें? तो परेशानी इतनी ज्यादा थी। फिर मैम ने देखा मेरी शीट, क्वेश्चंस मिला है, उसने कहा, अरे तुमने तो सारे सही किए हुए हैं, काफी आंसर उसने देखे होंगे, मैच किए होंगे, तो तुम रो क्यों, मतलब परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा मैम छोड़िए, कुछ है, दिक्कत है। बोला, अरे खुश होना चाहिए, तुम्हारा तो पेपर तो अच्छा हो रखा है, मैं तो वैसे ही देख रही थी, सोच रही थी कि तुम नालायक हो या निकम्मे हो। मैंने कहा मैम मैं एनडी एस्पिरेंट हूं और मेरी तैयारी उस लेवल की है। मैंने कहा ये कहां आप सोच रही है, तो क्या हुआ? फिर मैंने उनको बताया फटाफट, मैंने कहा मैं मैसेज से और मैं ये और मैं देना नहीं चाहता हूं। तब उन्होंने कहा ओके यू आर नेशनल डिफेंस एकेडमी एस्पिरेंट। तब मैंने कहा तब उन्होंने मुझे छोड़ा और वो बार बार मेरे पास आती थी, मुझे समझाती थी। ठीक है, और फिर मैं वहां से निकला, मैंने पेपर दिया, मैंने फटाफट पेपर दिया और मैं वहां से निकला मामा जी को लेके, और हम फिर वापस आ गए वहां से। तो कुछ दिनों बाद फटाफट जल्दी से रिजल्ट आया मर्चेंट नेवी का, और कॉल लेटर घर पहुंचा और बोला कि भाई सिलेक्शन हो चुका है, अब आप अपने बच्चे को भेज सकते हो। मेरे घर में हो गया हंगामा, और जबरदस्त हंगामा, क्योंकि सारी फैमिली कहती थी कि भेजो सरकारी नौकरी, जबकि वो सरकारी कहां है, लेकिन फिर भी मतलब ये था कि जॉब लग गई है भैया, मर्चेंट नेवी में लड़के का सिलेक्शन हो गया है। और मैं अपनी माताजी के चेहरे की तरफ, मैंने कहा बताओ क्या करूं मैं, और माताजी मेरी मेरे तरफ, तो इस तरीके से चल रहा था। खैर मैं खूब लड़ा, माँ ने मेरा सपोर्ट किया और मैं उससे बच गया, मैंने नहीं दिया। देखो भाई सीधी सी बात थी, मैंने उसको छोड़ा और मैं वहां से निकल गया कि मैंने कहा मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही चीज से प्यार है। तो मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ उसके बाद, अगस्त का अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया था, मैं लग गया दिन रात तैयारी में और अच्छे से प्रिपेयर करने में। तो मेरा अप्रैल का अटेम्प्ट आया, अप्रैल का अटेम्प्ट 18 अप्रैल को ही था। मेरी तैयारी ठीक थी लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। मेरा मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा जो सेकंड सेक्शन था ये बहुत मजबूत था पहले से ही, क्योंकि साइंस ठीक थी मेरी, इंग्लिश में मेरे को कभी समस्या नहीं होती थी, और जीके में मैं लर्न करने में भी ठीक ठाक था। बट मेरा मैथ्स को मेरे को बहुत दिक्कत थी भाई, मैथ्स को आप बिलीव नहीं करोगे। आर एस अग्रवाल नाम की किताब आती है एनडीए की, मैं उस आर अग्रवाल का मेरे को एक एक क्वेश्चन भी याद, तब आप कह सकते मैं मैथ्स में रटने वाला स्टूडेंट था। बट पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का आज भी मेरे को याद है, फिर उसी ट्रिग्नोमेट्री में एक वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाला आता है, क्या है उसका नाम कुछ इसी तरीके से है, तो एंगल एलिवेशन डिप्रेशन का क्वेश्चन मतलब ये रहता है। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो मेरे को इतना वोमिटिंग एकदम से, तो मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता था करने की, बस मेरे को एक ही धड़कन दिल की रहती थी कि अगर बाहर हुआ तो बेटा एनडीए उसकी वजह से बाहर होगा, मैथ्स की वजह से, अदरवाइज तो बाहर होने का मतलब नहीं था। बस मेरे को चाहिए था कि एनडीए में पास हो जाऊं, बस मेरिट तो मैं इधर से उठा लूंगा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता था जीके के पेपर में कि मेरिट में उठा के ले जाऊंगा यहां से अपने आप, लेकिन मेरा मैथ्स पास हो जाए। मैथ्स में मेरे को इतनी सरदर्दी थी बहुत ज्यादा, और वही हादसा हुआ 18 अप्रैल को, एनडीए का एग्जाम, मेरा देहरादून में ही सेंटर था और मैं पेपर देने गया,
पेपर देने जैसे बैठा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैंने गलती की है, मैंने इसकी कसम खाई है, ये मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको एक एक बात वो बता रहा हूं जो हुआ, और यही गलती मैं अपने स्टूडेंट को वही बताता हूं जो मेरे साथ हुआ, वही नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट वो रिपीट करे। ध्यान से सुनना, अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। 120 क्वेश्चन में से मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। फर्स्ट मैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में उलझता हुआ रह गया, 10, 11, 12, 13, 15, 14 पे पहुंचा। मैंने पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं, मैं लगभग मुश्किल से 35-40 क्वेश्चन पे पहुंचा, और उनमें से मेरे को जितने हो पाए 40 या 45 पे मुश्किल से पहुंचा होऊंगा, 40 या 45 पे मुश्किल से पहुंचा होऊंगा मैं। और उसके बाद बेल बज गई, बेल 5 मिनट वाले से पहले बजती है, 5-10 मिनट पहले से बेल बजती है। उस बेल के बजते ही मुझे पता चला इतना टाइम बचा हुआ है, और मेरे इतना स्वेट होना स्टार्ट हो गया, मेरे को लगा सब बर्बाद हो गया, इतनी अच्छी तैयारी होकर भी अब क्या होगा, और मेरे को डर लग रहा था मैथ्स का, मैंने कहा कवर हो गया बिल्कुल। बट मैंने एक उस समय देखे, इसी को कहते हैं कि आप किस टाइम पे कैसा डिसीजन लेते हैं, मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि पेपर को जल्दी फटाफट पलट। तब मेरे लास्ट मिनट में दिमाग में आया कि बेटा इसमें आसान क्वेश्चन भी तो हो सकते, मैंने फटाफट पलटा, और वास्तव में आगे ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों कि देखते ही मैंने जो रटने वाले भी क्वेश्चन, मतलब रटने वाले तो मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, था इसलिए मेरे हिसाब से थे, जिनके वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, वैल्यू पुटिंग 90 रख दिया फटाफट, जैसे एक क्वेश्चन आता है 10-30 कॉट सॉरी ऑपोजिट, मतलब जो समझो ना फीलिंग्स मेरी कट जाता है उल्टा, फिर इधर से कटता, इधर से कटता, इधर से कटता, इधर से कटता, सीधा आंसर देखते ही 10-45 बीच में, 10-45 वैल्यू 1, ऐसे क्वेश्चंस, मेरा मन खुश हो गया मैंने। लेकिन उस समय पर अपने आप को बना के इतना, इसी को कहते हैं प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन। फौज के बहुत सारे महीने होते हैं, पेपर आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है, चलानी तो आपको गोलियां ही हैं, लेकिन ये कुछ चीजें प्रेशर हैंडलिंग होती हैं। तो मैंने फटाफट जल्दी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग के कुछ फॉर्मुले होते हैं, एंगल एलिवेशन डिप्रेशन, वो चैप्टर का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू पुट आयोटा एक वो होता है चैप्टर का नाम होता है, ठीक है, अभी मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा है क्योंकि मेरे को सब याद आ रहा है, ठीक है। तो मैं फटाफट मैंने इसे जल्दी से 10-15 क्वेश्चन निकाल लिए, और उनसे भी इजी क्वेश्चन आगे की तरफ दिए हुए थे। मैं एक बात समझ चुका था उसी टाइम कि अगर एक बच्चा पूरा पेपर भी एक बार पढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन ना करे। लेकिन चालाकी वो क्या छिपा के रखते हैं कि 4 क्वेश्चन यहां इजी, 2 क्वेश्चन यहां इजी, 2 क्वेश्चन यहां इजी, 4 क्वेश्चन यहां इजी, लास्ट में, और बच्चा लास्ट तक पहुंचता ही नहीं है, नहीं तो 40-45 क्वेश्चन तो वो इजीली निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। किसी ने आरएस अग्रवाल भी किया, भाई साहब हमने कभी आरएस अग्रवाल के अलावा कुछ नहीं उठा के देखा, पहले अटेम्प्ट की बात बता रहा हूं, आरएस अग्रवाल ही देखी थी। लेकिन बच्चों मैं लगभग मुश्किल से, और मेरे जो मुझे मैंने देखा बाद में आके, मेरे जो सही ठीक ठाक क्वेश्चन उस समय हुए थे वो 35 मतलब 30 से ऊपर, 30 से ऊपर 40 के बीच में, मतलब इतने ही थे, देखो लिटरली सही है, और उस समय पर इतने ही काफी होते थे, मतलब होने तो ज्यादा चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा कैसे हुआ, आई डोंट नो, लेकिन मेरे इतने ही ठीक ठाक रहे होंगे, या मेरा कुछ 2-4 क्वेश्चन का एजम्पशन गलत रहा होगा, और मैं हो गया डिप्रेस्ड, इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ, अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने सोच लिया भाई गया तेरा तो सपना गया। मैं बाहर आया, मेरे हाथों पे पसीना, मैं कांप रहा हूं, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। मेरा एक दोस्त कानपुर का, विश्वेंद्र कटारिया, ही इज राइट नाउ मेजर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है, तो वो बहुत ही पोलाइट लड़का था। अब दोस्त हमारे टाइम पे बहुत सच्चे होते थे, ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं होते थे। उसने मुझे कहा अरे परेशान क्यों हो रहा है भाई संजीव, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया। उसने कहा सुन टेंशन मत ले, उसको भी पता था कि मेरा सेकंड सेक्शन बहुत अच्छा है। उसने कहा कितना हुआ है, मैंने कहा समथिंग यार 30-28 को ऐसे कुछ क्वेश्चन हुए होंगे। उसने कहा चल जो हो गया उसे छोड़, जो होगा देखा जाएगा, तू एक काम कर सेकंड पेपर को अच्छे से हैंडल करना। मैंने कहा यार विश्वेंद्र नहीं होगा। उसने कहा तू टेंशन क्यों ले रहा है, एक बार कर तो सही, होगा तो वैसे भी कुछ नहीं खराब हो जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है बिल्कुल तेरी। तो मैं कहीं ना कहीं उससे बात लगा रहा, थोड़ा सा मन को समझाता रहा, और जैसे ही पेपर का टाइम आया मैं वापस पहुंचा, और मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, पेपर जैसा गया निकलेगा नहीं निकलेगा, पर इस पेपर की बैंड बजा के रहूं, अब आई विल सी दिस पेपर एनी हाउ, मैंने पूरी ताकत लगा देनी है, पेपर ना निकले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब तो गुस्से वाली बात है। जैसे ही शुरू हुआ ना पेपर, सबसे पहले इंग्लिश को ही उठाया, मैंने कहा इसी को देखता हूं।
इंग्लिश को उठाया पूरा फट 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 फट, इंग्लिश में मेरे को पहले से ही कोई वो नहीं थी, और फिर मैंने गया सीधा साइंस पे। इसीलिए कहते हैं जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हो, जो इजी है, सब पकड़ लो फटाफट। मैंने कहा कहीं ये ना छूट जाए, 150 क्वेश्चन है भाई। मैं साइंस पे गया, साइंस में फटाफट मैंने क्वेश्चन उठाए वहां से, और उसके बाद फिर मैं गया सीधा ज्योग्राफी पे, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी अच्छी थी। अगर जीएस की बात करूं, मेरे को सारा उस समय आता था, अभी तो मेरे को लगभग कुछ ही चीजें याद है। एक क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है, दो क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक पूछा था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है इंडिया श्रीलंका के बीच में, कौन सी स्टेट होती है, पाक स्टेट होती है, हिंदी में शायद जल संधि मेरे साथ से कहते हैं। तो उसने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक पूछा था कि इधर लेफ्ट से इधर ऐसे राइट मतलब वेस्ट से ईस्ट पे जो ये होती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास होती है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो मेरे को आज भी याद है हम अपने फॉर्मूले खुद बनाया करते थे, कैसे देखो अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा देखो, लेकिन मेरी शॉर्ट ट्रिक अभी भी दिल से पढ़ाई करी थी यार, क्या हुआ हम नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन यादों के साथ आज भी जीते हैं। और जिंदगी में कभी भी कोई काम करो ना मन से करना, हार भी होगी ना तो हार भी शर्मा जाएगी आपकी उस पर। हमने बहुत मतलब कोई समझाने वाला नहीं होता था, खुद अपने आप एनसीईआरटी से अपने आप बनाते थे ट्रिक्स वगैरह। तो मैंने 2 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत उड़ाए भाई वहां पर। अब देखो यही यही है ना, बताओ स्टेट्स की यही है क्या? जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर क्या आएगा मध्य प्रदेश, ये यहां पे कुछ, एक सेकंड, सी सी आएगा ये, हाँ के नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम या मणिपुर का। अब देखो इतना नहीं पता यार, बस ये याद है उस समय की शॉर्ट ट्रिक। बताओ सही है, सही चल रही है नहीं चल रही है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, यही था। अब देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेरी शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से थी, मैं रिवील कर देता हूं हमने क्या बनाया था। ऐसी मेरे पास बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स थी, अभी भी कुछ याद है कुछ नहीं है। देखो इस तरीके से मैंने बनाई थी उस समय पर, ठीक है, क्योंकि हम केवल रिटर्न के लिए नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे एसएसबी के लिए। एसएसबी में जब हम बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, उनके टॉपिक कैसे आएंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है, ग्वादर पोर्ट, ये सब इस तरीके से। तो हमने मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी वो बनाई थी, गढ़वाल राइफल में कारतूस जले बंगाल तक मरे, ये कुछ इस तरीके से था, गढ़वाल राइफल में कारतूस जले बंगाल तक मरे, ठीक है, इस तरीके से अपना बनाया था, क्योंकि हमें कोई समझाने वाले नहीं होता था, हम अपने क्रिएटर खुद होते थे उस समय पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो भैया मैंने जीएस का पेपर दिया, जीएस का पेपर दिया, और मैं जब आया ना और मैंने आके चेक किए तो मेरे लगभग लगभग 85 something 85 80 90 के आसपास मेरे क्वेश्चंस जो थे वो सही थे, ठीक है। और मेरे को लगा अब शायद हो सकता है अगर एनडीए में मैथ्स में पास पास भी हो गया तो मेरा निकल जाएगा, और धड़कने बरकरार थी। फिर उसका रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो हमारे टाइम पे ना बेटा मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, हमारे टाइम पे कैफे होते थे, और कैफे हम जाते थे, कैफे में जाके फिर वो आधे घंटे में आपको पता ही है, तो हम पूछते थे भैया ये हमारा एडमिट कार्ड है रिजल्ट बताओ, तो हम मैंने जाके पूछा, और भाई दिल पे हाथ रख लिया, मैंने कहा अगर ना निकला ना तो फट जाएगा दिल। तो मैंने गया और मेरे को आज भी याद है, तो उन्होंने चश्मे वाले भैया थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे वो चेक कर रहे थे तो उनका मैं एक्सप्रेशन देख रहा था, मैंने कहा भाई काश, और सबको मैंने याद कर लिया, देवी देवता हे भगवान सब कुछ, मैंने कहा जो भी मैंने अपराध किए हो, ऐसा ना बुरे समय में आदमी सब कुछ याद करता है, तो मैंने सब कुछ याद कर लिया, भगवान प्लीज ऐसा ना हो, भगवान बस 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 इस बार निकल जाए, और आज के बाद मैं और मैं कभी किसी मतलब मैंने सब कुछ पॉजिटिविटी जो भी आदमी ढूंढ सकता है मैं सब कुछ अच्छा करूंगा भगवान। तो ये सब चल रहा था उस समय पर और मैं सब कुछ याद कर रहा था। तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ, एक बार उन्होंने मुझे डरा दिया, बोला इसमें तो कहीं दिखने, मैंने कहा यार ऐसा मत बोलो, मैंने कहा अरे ये है क्या, मैंने कहा देखो ये है विश्वास, मैंने कहा एक बार और देखो जरा ये ना, उन्होंने कहा हाँ ये ही है। उस समय मैं कैफे से बाहर निकला और मैंने 2-3 बार कहा यस 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 यस, मतलब फीलिंग अपने अंदर, और मैंने कहा यस, समझ रहे हो ना, अपनी ताकत से दिन रात मेहनत लगा के जब आप निकालते हैं ना कुछ भी काम, मतलब
जो मन से किया हो, बहुत मजा आता है, इतना सुकून। मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ उस समय, मुझे इतना अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट ओवर द मून, मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता, भले ही बाद में क्या हुआ डजंट मैटर, लेकिन वो फीलिंग मेरे लिए बहुत बेस्ट फीलिंग थी। और खुश क्यों था, क्योंकि मेरा मैथ्स खराब होने के बावजूद ही मैंने निकाल लिया था और मैं इतना खुश था। फिर मैंने फटाफट, सबसे पहले मेरे पास एक फोन होता था उस समय पर, आजकल आपके पास बड़े बड़े फोन होते हैं, तो मेरे पास एक वोडाफोन का फोन होता था, नोकिया टाइप के वे आते थे ना उस समय छोटे छोटे, तो मैंने फटाफट वोडाफोन का फोन निकाला और मैंने फटाक से कॉल मिलाया और सबसे पहली कॉल मैंने अपनी माँ को मिलाया। मैंने कहा, और अब लेकिन मैंने जो वर्ड बोला था वो मेरे को आज भी याद है, मेरे को बड़ी रोना रोना आता है। मैंने कहा माता जी आपका बेटा ना लेफ्टिनेंट बन गया है, लेकिन ये कमबख्त पता नहीं था कि अभी जर्नी आधी हुई है। लेकिन खुशी होती है ना अंदर से एकदम से, मैंने कहा माता जी आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया है, और माता जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर बाद में समझाया मैंने कहा नहीं अभी ऐसे, और कॉन्फिडेंस देख रहे हो उस समय पर, मैंने कुछ नहीं छोटा सा एक इंटरव्यू बचा हुआ है और ये देने जाऊंगा मैं, और उसके बाद बस कुछ दिख कोई, फिर तो आपका बेटा लेफ्टिनेंट है ही। मैंने कहा बोल देना सबको जिन्होंने भी गालियां ताने कसे थे, मैंने कहा आ रहा है आप लेफ्टिनेंट। तो मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था उस समय पर, तो फिर माता जी भी बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद मेरा 22 SSB बोर्ड फर्स्ट मेरा भोपाल का था, उसकी भी एक अलग यादें हैं। ठीक है, तो अभी आपका काफी समय, मैंने ये बात इसलिए समझाई आपको क्योंकि बेटा हम, मेरी जिंदगी की एक बहुत अलग कहानी है, मैं इसीलिए ज्यादा नहीं बोलता हूँ। और काफी लोगों जब उल्टा सीधा बोलते हैं ना लोग ये, तो मैं इसीलिए चुप होकर चला जाओ, आप कहते हैं ना सर जवाब दो, मैं इसलिए जवाब नहीं देता हूँ। मैंने क्या है पता यार इन लोगों को स्ट्रगल क्या चीज होती है, स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज होती है, हमने हर चीज को जिया हमारी जिंदगी के। और ये अकेला एग्जाम नहीं है, मैंने सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाला छोड़ा, बहुत सारे एग्जाम और छोड़े दिए, ये वो, हर किसी की मेरी एक बहुत अलग यादें हैं। इसीलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि टू बी कूल, बिकॉज लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, सब पता है, तो इसीलिए आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। बस हाँ, एक ही चीज है जो जिंदगी मैंने जी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स उससे बेहतर करें। हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है, हम नहीं चाहते हमारे स्टूडेंट स्ट्रगल करें। हमारी लाइफ अगर हम कुछ बेहतर सिखा सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक, तो यही कहानी है, तो आप समझ सकते हैं कि हमने भी स्ट्रगल से पेपर निकाले हैं। और बेटा टेंशन सभी को होती है, आज समझाने वाले आपको हम तुरंत आ जाते हैं, हमें समझाने वाला कोई नहीं होता था, हमारे तो खिलाफ खड़े होते थे लोग। तो इसीलिए अपने आप को बस ये रखो कि हाँ निकालना है। और भाई साहब जब दूसरा अटेम्प्ट आया ना, क्योंकि अगस्त में था अगला अटेम्प्ट, अब बिलीव नहीं करोगे मैंने मैथ्स की जो धज्जियां उड़ाई ना, कसम से खा रहा हूं मैंने जो मैथ्स की धज्जियां उड़ाई। और बोलोगे आप सर कैसे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता दूसरे एग्जाम पे। मैंने कहा अब रिस्क नहीं बेटा, इस बार तो निकल गया। मैंने फिर मैथ्स को पकड़ा और मैंने जो रजिस्टर्स आते थे ऐसे लगा दिए साइड में, मैंने कहा भरना स्टार्ट कर दो, दो दो दिन में रजिस्टर्स फटाफट। और सबसे पहले मैंने आरएस अग्रवाल को पकड़ा, मैं जिन क्वेश्चन के आंसर रटता था ना, मेरे को ये भी कई बार याद था इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, मैथ्स में भी रटा दिया था। तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने कहा अब सीखो क्या है। तो मैं उसकी एक एक कहानी को सीखता था, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा तो क्या हुआ। तब मैंने उसके अलावा एक बुक आती है फिर, दैट इज पाथफाइंडर। फिर मैं पाथफाइंडर पे गया, अरिहंत की सर किस कौन सा पब्लिकेशन है पता नहीं, पाथफाइंडर नाम की आती है। फिर मैंने उसके अलावा पाथफाइंडर पकड़ा और तब मैंने दोनों को कई, अच्छा 50 बुक करके फायदा नहीं है, एक दो बुक कर लो, मैंने दोनों को कई कई बार किया और मेरे लगभग 75 या 76 क्वेश्चंस मैथ में सही थे नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में। और फिर तो मैं पेपर कहां, फिर तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हो, क्योंकि एक बार जब नॉलेज आ जाती है ना और उसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो फिर कभी पीछे नहीं हटोगे। फिर तो मैं पेपर से पहले फटाफट प्रैक्टिस सेट लगाता था, पेपर मेरा क्लियर हो जाता था। लेकिन सारा खेल स्टार्टिंग में होता है और इसी प्रेशर को जो हैंडल कर लेता है वही तो ऑफिसर है, वो बात अलग है, हम ऑफिसर नहीं बने। ठीक है, गम नहीं है लेकिन उस बात का। ठीक है, उसके बाद हमें जो मिले एग्जाम्स जो हमने निकाले उसमें हमारा मन नहीं रहा और जिसमें हमारा मन था वो हमें मिला नहीं। ठीक है, तो यही हमारी एक छोटी सी कहानी है बच्चों।